Krishna, Krishna, Radhe, Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, 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 Radhe, Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, 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 Radhe, Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, 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 Radhe, 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 Krishna, Radhe, Krishna, 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 Radhe, 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 Shama, Radhe, Shama, 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 Radhe, 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 Krishna, Radhe, Krishna, 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 Radhe, 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 Shama, Radhe, Shama, 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 Radhe, 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 Krishna, Radhe, Krishna, Krishna, Shama, Radhe Shama, 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 Radhe, Radhe. Jai Shri Radhe, Jai Shri Radhe, Jai Shri Radhe, Jai Shri Radhe, Jai Shri Radhe. Shri Radharani Varshik Braj Yatra 2017. आज 33वां पड़ाव शनिवार पूर्णिमा की तिथि को खो ग्राम में हम लोग बैठे हुए हैं। श्री राधा मान बिहारी लाल और परम पूज्य श्री बाबा महाराज की परम कृपा से ये यात्रा सफलतापूर्वक विश्राम की ओर बढ़ रही है। निर्विघ्न सानंद ये यात्रा सफल हुई। महत्जनों के आनुगत्य में सहज में जैसा भागवत जी में एकादश स्कंद में आया है, छायेव कर्म सचिवाह साधवो दीन वत्सलाह। देवता तो कर्म के पुजारी होते हैं, कर्म के मंत्री होते हैं। जैसा किया कर्म के अनुरूप फल देते हैं, लेकिन महापुरुषों की करुणा कर्महीनों पर भी अनवरत बरसती रहती है। संसार में उपकारी व्रत को बहुत ही सुंदर ढंग से निभाने वाला मेघ है, जिसको प्रणाम किया गया विश्वोपकारी व्रतम, जो विश्वोपकारी व्रत को धारण करके सर्वत्र बरसता है,
पर्वत की चोटी पे बरसता है, जहाँ जल की आवश्यकता है वहाँ भी बरसता है, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ भी बरसता है, जिस पहाड़ की चोटी पर पानी टिक नहीं सकता वहाँ भी बरसता है। तो ऐसा विश्व का उपकार करने वाला स्वभाव मेघ का होता है, लेकिन अनवरत रूप से वृष्टि करने वाले मेघ में और अनवरत रूप से कृपा वर्षा करने वाले महापुरुषों में यही अंतर है कि मेघ समय से बरसेगा, वर्ष में 4 महीने बरसेगा, लेकिन महापुरुषों की करुणा का कोई विशेष समय नहीं होता, कोई विशेष साधन के बल पर उनकी करुणा नहीं होती है, बल्कि उनका सहज करुणा का स्वभाव ऐसा होता है कि वो निरंतर जीव मात्र के ऊपर बरसता ही रहता है। तो महापुरुषों के जैसा विश्व का उपकार संसार में कोई कर नहीं सकता है। और पूज्य महाराज जी की ये यात्रा भी एक बहुत बड़ा विश्व का उपकार कर रही है, जो जिसका अनुभव आप सभी लोग कर रहे हैं। जगह जगह यात्रा में तो 40 दिवसीय अखंड हरिनाम संकीर्तन होता ही है, और भी जहाँ जहाँ यात्रा जाती है भगवान नाम संकीर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है लोगों को। हजारों गांवों में ब्रज के जागरूकता आई है, जगह जगह भगवान नाम संकीर्तन चल रहा है, और ये भगवान नाम संकीर्तन ही एकमात्र सभी साधनों का पूरक है। लिखा है तुकाराम जी महाराज का एक बड़ा सुंदर भाव है, मराठी भक्त रोज यहाँ कीर्तन करते हैं बड़ा सुंदर, हरि मुखे मणा पुण्याची गणना कोने करी। जिसके मुख में श्री ठाकुर जी का नाम विराजमान हो गया, पृथ्वी के धूल कणों की गिनती की जा सकती है, वर्षा की बूंदों की भी गिनती की जा सकती है, आकाश के तारों की भी गिनती हो जाएगी, लेकिन एक हरिनाम किसी के मुख में विराज जाए, मुख से निकल जाए, तो उस जीव को जिस पुण्य की प्राप्ति, जिस पुण्य का लाभ होगा, उसकी गणना करने वाला संसार में कोई नहीं है। अखंड हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से और गांव-गांव में नाम संकीर्तन के लिए जो प्रेरणा दी जा रही है, उसके माध्यम से कितना अनंत लाभ सभी जीवों को, आप सभी को प्राप्त हो रहा है, ये एक कल्पनातीत बात है। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते जिस लाभ को हम लोग यहाँ से अर्जित करके जा रहे हैं, क्योंकि नाम संकीर्तनम विष्णोः जगन मंगल मंगसाम, भगवान नाम संकीर्तन केवल लेने वाले और सुनाने वाले का नहीं, बल्कि यहाँ आप कीर्तन कर रहे हैं और आपके द्वारा संपूर्ण विश्व का मंगल, पूरे जगत का मंगल आपके द्वारा सहज में हो रहा है, और उसी नाम के बल पर इतने बड़े बड़े कार्य यहाँ हो रहे हैं। तो पूज्य बाबा महाराज, उनकी नाम के प्रति अटूट निष्ठा और नाम के आश्रय पर इतने बड़े बड़े दैवी कार्य जो सहज रूप में मान मंदिर के द्वारा संपन्न हो रहे हैं, यही बात रखने के लिए, जैसा कि पिछले 2 दिनों से लगातार हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मान मंदिर से बहुत से अच्छे अच्छे प्रचारकों को, निष्काम प्रचारकों को, निस्वार्थ प्रचारकों को, जो निस्वार्थ भाव से चल रहे हैं, उनको तैयार किया जा रहा है, और न केवल भारतवर्ष में बल्कि ये विशुद्ध धर्म दूर देशों तक भी पहुंच सके, बस उसी की प्रयास में। और यहाँ के प्रचारक जो कुछ बाहर जाके दूसरी भाषाओं पर भी थोड़ा अधिकार प्राप्त करने के लिए, और उसी लक्ष्य से कि भगवान नाम का प्रचार प्रसार जगह जगह हो सके, यहाँ के कुछ साधक कुछ साध्वियाँ जो तैयार हो रहे हैं, राधिकेश जी श्री जी को हम लोगों ने सुना ही,
और आज हमारे यहाँ की साध्वी श्वेता जी जो आई हुई हैं वो भी अपने उद्गार आप लोगों के सामने रखेंगी। और आप सभी लोग सभी को हम सभी को आशीर्वाद दें, यहाँ खड़े होकर संबोधन करना नहीं, संबोधित करना नहीं, बल्कि आप सबका आशीर्वाद लेने के भाव से ही हम लोग यहाँ आते हैं, तो वो आप अवश्य कृपा करें और हम लोगों को जरूर आप सब आशीर्वाद दें कि इस मार्ग को दृढ़ता पूर्वक पकड़ के हम लोग चल सकें। जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। फर्स्ट ऑफ ऑल माय प्रणाम एट द फीट ऑफ बाबा श्री एंड ऑल द डिवोटीज ऑफ राधा रानी ब्रज यात्रा अलोंग विद द सेंट साध्वी एंड गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑफ श्री मान मंदिर। वी कैन नॉट से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ रेस्पेक्टेड बाबा श्री without his inspiration, because he is the living image of kindness of Vaishnava tradition, true Sanatan religion. As we feel that Baba Sri is true mother, true father, not for me alone but for all of us here and across the world. The simple thing behind this is his nurturing capacity for small children and devotees of London men and women. A pursual of life worthy of worship, Sri Baba has love for all without any expectation of return of anything, life, property or wealth, except Bhagwan Naam. And as a result, every possible commodities came spontaneously in Man Mandir, Mataji Goshala, Sri Radharani Braj Yatra and Ras Mandir itself. Baba says it is strength of Bhagwan Naam Sankirtan. It is very difficult to say the works of Baba Maharaj in the past 70 years. How he struggled for the protection of Braj Mountains, forests, ponds and distinguished religious and archaeologically important places, and what Brajvasi really forgot in force of time, Baba Sri has brought them back to life. He sacrificed himself for Braj and as a result he suffered a series of surgical operations in his body. I request you all, let us pray for the speedy recovery of the devotees. Kindly give your life. Let the fragrance of his internal spiritual energy be spread over the world. After all, credit goes to Baba Maharaj, after Raghunath Goswami and Sanatan Goswami for the 500 years. They were disciples of Chaitanya Mahaprabhu who enlightened all the places in Braj. Thank you. Jai Shri Radhe. तो विशेष रूप से भगवान नाम के आश्रय पर जो पूज्य महाराज जी के बड़े बड़े कार्य संपन्न हो रहे हैं, उस बात को साध्वी जी ने हम सबके सम्मुख रखा। और ये चीज़ न केवल कहने सुनने वाली बात, बल्कि हम लोग और आप लोगों ने भी इस 40 दिवसीय यात्रा में निश्चित रूप से अनुभव किया और करेंगे कि नाम कितना सशक्त साधन है, भगवत प्राप्ति का एक कितना सहज सुगम माध्यम है। और जिसकी समता संसार का कोई साधन,
कर ही नहीं सकता है। तो यात्रा के द्वारा जैसा पूज्य महाराज जी प्रतिवर्ष आप लोगों से प्रार्थना करते ही हैं, नाम के प्रति एक विशेष रुचि, विशेष प्रेम, विशेष निष्ठा हम लोग यहाँ से लेकर जाएं और इसी में यात्रा की सफलता है। यात्रा के साथ साथ आप सबके जीवन की और संपूर्ण विश्व का कल्याण, विश्व का मंगल इसके द्वारा निश्चित रूप से हुआ है और होगा। तो भगवान नाम घरों में है या जहाँ जहाँ से आप लोग आए हैं, प्रभात फेरियों के माध्यम से जितना अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर सकते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि कलिकाल में नाम के अतिरिक्त ऐसा कोई साधन नहीं है जिसमें सभी समस्याओं का निदान छुपा हुआ, केवल भगवान नाम है, केवल भगवान नाम। इसलिए कली नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, एकमात्र अवलंबन नाम। बाकी स्थल महात्म्य आज खो गांव में हम लोग बैठे हुए हैं और यात्रा के क्रम में सबसे पहले सेव, जड़खोर, सौगंधनी शिला, पहलवाड़ा होते हुए यहाँ खो गांव में आप लोग पहुँचे। जड़खोर श्रीमद् भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज ने यद्यपि भगवान लीला जो अनंत हैं, समुद्रवत अगाध हैं, उन सभी लीलाओं को रस के साथ साथ रहस्यों के साथ भी प्रतिष्ठित किया है, किंतु सुखदेव जी की भाषा जिसे विद्वानों ने समाधि भाषा स्वीकार किया है और बड़ी सूत्रात्मक भाषा है, थोड़े में अनंतानंत लीलाओं का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया। उसी क्रम में ब्रज के प्रत्येक गांव में जो लीलाएं श्री ठाकुर जी की हुई हैं, चाहे वो सक्ष प्रधान हैं, वात्सल्य प्रधान हैं, श्रृंगार रस प्रधान हैं, उन समस्त लीलाओं को सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी में रखा। लेकिन रखा इस तरह से जैसे कोई बहुमूल्य वस्तु किसी के पास हो तो बढ़िया उसको घर में तिजोरी में बंद करता है, अब बढ़िया तिजोरी को और दूसरी तिजोरी में बंद करेगा, जितना उसको ढंग से छिपा के रख सकता है वो रखने का प्रयास करता है। तो वैसे ही श्रीमद् भागवत जी में जो रास पंचाध्यायी की रसमयी अंतरंग लीला का सुखदेव जी ने वर्णन किया वो बहुत बहुत सावधानी के साथ रखा। रास लीला जैसा हम लोग कई बार पूर्व में सुन चुके हैं, ब्रज के बहुत से क्षेत्रों में रासव क्रीड़ा हुई, रास लीला के बहुत से क्षेत्र ब्रज में मिलेंगे। ये जो क्षेत्र है ये भी रास लीला का क्षेत्र है, किंतु यहाँ रास लीला जब श्री ठाकुर जी आए हैं मथुरा से, तो मथुरा से आने के बाद तीन बार महारास लीला श्री ठाकुर जी ने की है, जिनमें से एक बार महारास इस क्षेत्र में भी हुआ है। श्री ठाकुर जी की अंतर्धान लीला यहाँ हुई और जब अंतर्धान हुए हैं, अभी अभी गोपियों को ऐसा अधिकार दिया था, जैसा सुख चाह रही थी, जैसी अनुकूल चेष्टा चाह रही थी वैसी वैसी दे रहे थे और एकाएक गायब हो गए, अंतरित हो गए, तो गोपियाँ व्याकुल हुई, कहाँ खो गए कहाँ खो गए।
तो अंतर्धान लीला के होने से ये खो गांव से संग्रहित हुआ क्षेत्र, जड़खोर अभी यहाँ की लीला को रसिकों की वाणी के आधार पर हम लोग और भी सुनेंगे। उसके पूर्व जड़खोर की जो गुफा है, गोपाल चंपू ग्रंथ में ऐसा लिखा है, सारा ब्रज श्री ठाकुर जी की लीला के अनुरूप हो जाता था, चाहे वो ब्रज के वन हैं, चाहे वो मेघ हैं, या यहाँ के मयूर हैं, यहाँ की हिरणियाँ हैं, यहाँ की भूमि है, यहाँ के वृक्ष हैं, संपूर्ण भूमि, संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण यहाँ का स्थावर जंगम श्री ठाकुर जी की लीला के अनुरूप रूप धारण कर लेता था, क्योंकि सब चिन्मयी लीला हो रही है, सारी प्रकृति बड़ी चिन्मयी है। तो श्री गिरिराज जी में जब ठाकुर जी गौचारण के लिए जाया करते, तो वैसे तो शास्त्र विधि तो कोई पूजा करे तो षोडशोपचार विधि से पूजा होती है 16 प्रकार से, लेकिन गिरिराज जी के लिए वहाँ लिखा 21 प्रकार से गिरिराज जी पूजा करते हैं। ठाकुर जी आए तो गिरिराज जी के सभी वृक्ष अपने आप फल फूलदार हो जाएंगे, अपने आप सुंदर सुंदर कुंज निकुंजें बन जाएंगी, सुंदर सुंदर गुफाएं बन जाएंगी, रसिकों ने वर्णन भी किया है अपनी अपनी वाणियों में। तो ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, बहुत से पर्वत हैं जहाँ बड़ी सुंदर सुंदर गुफाएं लीला के अनुरूप पर्वत स्वयं बनाते थे, अपने आप पर्वतों में गुफाओं का निर्माण होता था। वनौकसः प्रमुदिता वनराजीर मधुच्युतः जलधारा गिरे नादा नासन्ना ददृशे गुहा। श्याम सुंदर गए हैं वन में, अब प्यास लगी तो अपने आप कहीं ना कहीं पर्वतों में झरने झरने लगते थे, अपने आप सुंदर सुमृष्ट जल बहने लगता था। गिरे नादा नासन्ना ददृशे गुहा, गुफा देखी, उस गुफा में श्याम सुंदर गोधन के साथ चले गए। अब जंगल में गए हैं, गौचारण लीला हो रही है, एक एक वर्षा होने लग गई, तो वर्षा से बचने कहाँ जाएं? तो इतनी इतनी विशाल विस्तृत गुफाओं का निर्माण अपने आप उन पर्वतों पर हो जाता था कि सारा का सारा गोधन लेके और सब गोप ग्वाल कृष्ण बलराम दोनों भैयाओं के साथ और वर्षा काल में वहीं कंदराओं में रह जाया करते थे, वहीं कंदरा में रहकर वर्षा जब तक होती तो वहीं निवास करते। इतना विशाल उनका स्वरूप, उनका क्षेत्र हो जाता था। क्वचित वनस्पति क्रोड़े गुहायाम चाभिवर्षति निर्विश्य भगवान रेमे कंद मूल फलाशन। और वहाँ के वृक्ष वहाँ से तोड़ तोड़ के कंद मूल खा रहे हैं, झरनों का सुंदर सुमृष्ट जल पी रहे हैं, वर्षा हो रही है तो कंदरा में बैठ गए हैं, एक बूंद जल नहीं लग सकता है। तो सारी प्रकृति ठाकुर जी के अनुरूप स्वरूप धारण करके और यथा सामर्थ्य सेवा में संलग्न रहती, जितनी सामर्थ्य सब प्रकार से सेवा किया करती। तो यहाँ की गुफा जड़कोर की गुफा बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी विस्तृत गुफाएं हुआ करती थी। अब तो उपेक्षा होने के कारण सारा स्वरूप ही नष्ट होता चला गया। बहुत सी गुफाएं ब्रज में थी, भैंसेड़ा की गुफा यहीं से निकट में है, अभी भी कुछ स्वरूप बचा है, काफ़ी लंबी चौड़ी गुफा है। जतिपुरा में नाथ जी की गुफा, जो नाथ द्वारे तक जिसका द्वार खुलता था, इतनी लंबी लंबी गुफाएं थीं। तो ये सब श्री ठाकुर जी के योग्य ये भूमि बन जाती थी, सारी चराचर भूमि। तो यहाँ गुफाओं में श्री ठाकुर जी ने लीला की, ग्वाल वालों के साथ छाक लीला। और निकट ही सौगंधनी शिला है जिसका वर्णन जीव गोस्वामी जी महाराज ने किया है, श्री वृंदावन भूमौ नंदीश्वराष्ट्र कूट वर्षानु धवल गिरी सौगंधिकादयो बहवो अद्रयो वर्तन्ते। ये संपूर्ण क्षेत्र वृंदावन के अंतर्गत आता है, ये सारा क्षेत्र श्री वृंदावन भूमौ नंदीश्वर यानी नंदगांव, अष्टकूट राधा रानी की अष्ट महासखियों के जो 8 गांव हैं, उन 8 गांवों में जो 8 पर्वत हैं, जैसे सखीगिरी पर्वत ऊंचे गांव में, रंकू पर्वत रांकोली में इंदुलेखा जी का, स्वर्णगिरी पर्वत सुनेरा में सुदेवी जी का, इंद्रगिरी इंद्रौली में, धवलगिरी घाटे में,
ये सब आठ जो पर्वत हैं ये सब वृंदावन के क्षेत्र के अंदर आते हैं और उन्हीं में सौगंध का दयो सौगंधनी शिला जिसका दर्शन आप लोगों ने किया होगा जहाँ श्याम सुंदर ने शपथ ग्रहण की सौगंध खाई। किस बात की सौगंध? ब्रज तज अनत न जाई हो मोहे नंद बाबा की टेक भूतल भार उतारी हो धरी धरी रूप अनेक। ठाकुर जी ने शपथ ग्रहण की थी कि ब्रज के बाहर हम नहीं जाएंगे और ये बात सत्य भी है क्योंकि जिस समय उद्धव जी महाराज यहाँ आए हैं तो गोपियों ने उद्धव जी को नित्य लीला का दर्शन कराया। उद्धव जी ये मत समझना कि श्याम सुंदर ब्रज से चले गए हैं, अरे उन्होंने यहाँ शपथ ली है और शपथ ही नहीं ली हम तो नित्य लीला का दर्शन कर रही हैं। और उद्धव जी को जब यहाँ हरिजू बहु क्रीड़ा करी सूरदास जी का बड़ा सुंदर पद है, संपूर्ण लीला स्थलियों का दर्शन गोपियों ने कराया है और आखिर में उद्धव जी ने उन गोपियों की चरण रज की वंदना की इस भाव के साथ, मैं ब्रजवासिन की बलिहारी जिनके संग सदा है क्रीड़त गोवर्धन गिरधारी। ये सूरदास जी का पद है। नित्य क्रीड़ा नित्य लीला जिन ब्रजवासियों के साथ भगवान ने की है उन ब्रजवासियों की चरण रज की वंदना उद्धव जी महाराज ने की है। तो उद्धव जी को नित्य लीला का दर्शन इस भूमि में हुआ। मथुरा लीला द्वारिका लीला भी संपन्न होनी थी अतः देवकी नंदन चले गए लेकिन यशोदा नंदन नंद नंदन माधुरी रस लीलाओं का आस्वादन करने और कराने के लिए यहीं रहे। बाकी असुर वध करना था भूभार हरण करना था वो सब कार्य भी आवश्यक थे इसलिए अपना दूसरा रूप जो था उसने सब मथुरा द्वारिका सर्प की लीलाओं को संपन्न किया। तो सौगंधनी शिला ब्रज में श्री ठाकुर जी की नित्य लीला का एक बड़ा पुष्ट प्रमाण है कि ठाकुर जी ने जिस बात की शपथ ली कि ब्रज से हम जाएंगे ही नहीं तो आज भी नित्य लीला, जब ब्रज से गए नहीं तो ब्रज में क्या मूर्ति बन के थोड़ी बैठेंगे, आज भी वह लीला 5,500 वर्ष पूर्व हुई नहीं, आज भी वो लीला नित्य यहाँ हो रही है। इसलिए कृष्ण लीला के संबंध में ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने यही त्रैकालिक लीलाओं का स्मरण कराया था कि ठाकुर जी ने स्वेच्छा से जो अवतार ग्रहण किया है जो लीलाएं हो चुकी हैं जो लीलाएं हो रही हैं और करिष्यत उत्तम श्लोके जिन लीलाओं को भगवान करिष्यति अभी करेंगे उन लीलाओं का त्रैकालिक लीलाओं का आप सदैव स्मरण करना। तो लीला का अभाव अब से पूर्व भी नहीं था अब भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। तो त्रैकालिक जो लीला है उसी को नित्य लीला कहा गया। तो नित्य लीला इस भूमि में आज भी चल रही है इसीलिए वैकुंठ आदि धामों से ब्रज भूमि की श्रेष्ठता हुई। अत्रैव ब्रज भूमि सा यत्र तत्त्वं सुगोपितम् शांडिल्य महर्षि ने बज्रनाथ जी को कहा यही है वो भूमि और कोई दूसरी नहीं है, अत्रैव यही वो भूमि है, यही ठाकुर जी ने आज भी लीला ने कर रहे हैं आगे भी करेंगे और पूर्व में भी कर चुके हैं। तो ब्रज वो भूमि है जहाँ प्रकट लीला के साथ साथ नित्य लीला भी निरंतर होती रहती है। इसलिए सौगंधनी शिला पर जहाँ ठाकुर जी ने सौगंध ग्रहण की शपथ ग्रहण की उससे सौगंधनी शिला उसका नाम हुआ और खो गांव जहाँ श्री ठाकुर जी खो गए अंतर्धान लीला महाराज लीला के मध्य जहाँ भगवान ने की गोपी नाम शतयूथा नाम मानम वीक्ष ब्रजेश्वरः भगवान राधया साकम तत्रैवांतर धीयत। गर्ग संगीता में लिखा है 100 यूथों के साथ गोपियों के 100 यूथों के साथ इस क्षेत्र में महाराज लीला चल रही थी और उन सब गोपियों के अंदर जब सौभाग्य का मद श्याम सुंदर ने देखा तो बस उस मद को दूर करने के लिए उसी समय तत्रैवांतर धीयत वहीं अंतर्धान हो गए।
और जब श्याम सुंदर अंतर्धान हुए हैं तो उस समय में जो स्थिति हुई है ब्रज गोपियों की, जैसे शरीर से प्राण चला जाए तो शरीर में सबसे अधिक महत्व किसी अंग का नहीं, किसी इंद्रिय का नहीं, सबसे अधिक महत्व प्राण का होता है। प्राण के बिना तो मृत है। तो जैसे शरीर से एकाएक प्राण चला गया ऐसी स्थिति ब्रज गोपियों की हो गई। ये सब कई प्रकार के भाव हैं जो प्रेम को कहीं ना कहीं पुष्ट करते हैं, प्रेम की तीव्रता को और बढ़ाते हैं। बड़ा सुंदर एक नंददास जी महाराज का भाव है। अग्नि में जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार जब कच्चे बर्तन बनाता है तो उन बर्तनों को पहले आग में पकाता है। जा घट विरह अवा अनल परिपक भय सुभाय, ताही मध्य नंद नंदन हो प्रेम अमी ठहराए। जैसे कुम्हार होता है घड़ा बनाता है तो उस घड़े को पकाने के लिए पहले उसको आग पर उसको सेकता है। आग पर नहीं सिका तो वो सब पात्र जो है कच्चा रह जाएगा, पक नहीं सकता। तो आग पर पकने के बाद ही पात्र इतना परिपक्व होता है कि आप उसमें चाहे जो चीज डालें वो उसमें स्थिर रह सकती है, टिक सकती है। तो वैसे ही ताही मध्य नंद नंदन को प्रेम अमी ठहराए, वैसे ही ये हृदय जो है ये बड़ा कच्चा पात्र है। वियोग के द्वारा, विप्रलंब के द्वारा, विप्रलंब की अग्नि में पहले इस हृदय को पकाया जाता है और जब हृदय परिपक्व हो जाता है तब इसमें कृष्ण रस, कृष्ण लीलाओं का रस टिक सकता है। अन्यथा पात्र कच्चा रहा तो वस्तु ज्यादा देर नहीं टिकेगी। तो प्रेम के जो दो पक्ष हैं, एक संयोग पक्ष, दूसरा वियोग पक्ष। वियोग पक्ष प्रेम का पूर्ण रूपेण अनुभव कराने के लिए विरह की अग्नि का वहन करना पहले बहुत आवश्यक है। इसीलिए कई प्रकार का जो मान गाया है रसिकों ने, हित हरिवंश महाप्रभु जी ने मान लीला के बहुत से पद गाए हैं, उनमें एक मान होता है नैमित्तिक मान, जो किसी निमित्त से किया जाता है। किसी निमित्त से क्या, मान का निमित्त एक ही होता है प्रेम का वर्धन, और मान का कोई दूसरा निमित्त नहीं है। संसारी मान नहीं, प्रणय मान, श्री राधा माधव का मान केवल एक ही निमित्त से होता है कि प्रणय बढ़े, प्रेम बढ़े। तो उस प्रेम को बढ़ाने की दृष्टि से वह जो नैमित्तिक मान होता है वो मान कभी कभी नित्य प्रियतम पास हो, नित्य श्री ठाकुर जी पास हो, ऐसी स्थिति में भी विरह का अनुभव कराता है। श्री राधा रानी श्याम सुंदर के गोद में हैं, उनके अंक में हैं, अंकस्थिते पी दयते, उनके अंक में ही हैं, लेकिन फिर भी हा माधव हा केशव ऐसा प्रलाप कर रही हैं, रो रही हैं, क्योंकि वियोग के बिना संयोग का जो सुख है वो पूर्ण रूप से अनुभूत नहीं होगा, उसकी अनुभूति होगी ही नहीं। इसलिए नंददास जी महाराज ने जो रास पंचाध्यायी गाई है, बहुत सुंदर रास पंचाध्यायी का वर्णन किया है। अस अद्भुत मोहन पियसो मिली गोप दुलारी, अचरज नाहिन गर्व होए गिरधर जू की प्यारी। श्याम सुंदर से मिलन हुआ गोपियों का, ये इसी क्षेत्र की लीला है, और बहुविध उनका अंग संग पाकर, अनुकूल चेष्टा पाकर उनको सहज गर्व हो गया। रूप भरी गुण भरी भरी पुन परम प्रेम रस, क्यों ना करें अभिमान कान मोहन हैं जिनके बस। उनके जैसा रूप, उनके जैसा सौंदर्य, उनके जैसी कला, उनके जैसे गुण, जिन्होंने ठाकुर जी को रिझा लिया, ठाकुर जी को वश में कर लिया। अब भगवान जिसके गुण रूप कला के वश में हो गए तो फिर उन गोपियों को भला अभिमान क्यों नहीं होता। मद होना स्वाभाविक था तो मद हो गया। प्रेम पुंज वर्धन के काज ब्रजराज कुंवर पिय, मंजु कुंज में तनक दुरे अति प्रेम भरे हिय। पर ऐसा ना हो इस मद के आने से प्रेम की कुछ तीव्रता कम हो जाए, प्रेम की गति कम हो जाए, इसके लिए श्री ठाकुर जी ने क्या किया, प्रेम वर्धन के लिए वहां से अंतर्धान हो गए। प्रेम पुंज वर्धन के काज, प्रेम को बढ़ाने के लिए खोए हैं, प्रेम को बढ़ाने के लिए यहाँ से अंतर्धान हुए हैं।
मधुर वस्तु जो खाए निरंतर सुख तो भारी और बिच बिच अमल कटु तिक्त तो अति रुचकारी। क्यों अंतर्धान हुए? क्योंकि कोई आदमी अब लगातार मीठा खाता रहे, रसगुल्ला अच्छा लगे, एक खाया, दो खाए, दस खाए, बीस खाए, अब लगातार खाता ही रहेगा तो उसके प्रति रुचि हट जाएगी, फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी रसगुल्ला के नाम से भी उल्टी हो जाए। तो रसगुल्ले का स्वाद लगातार बना रहे, उसका उसकी मधुरता लगातार बनी रहे, उसके प्रति रुचि लगातार बनी रहे, उसके लिए बीच में कभी तीखा खा लिया, कभी खट्टा खा लिया, कभी दूसरा स्वाद ले लिया, तो दूसरा स्वाद लेने से जो मधुर जो रसगुल्ले के प्रति जो रुचि है वो वैसी बनी रहेगी, उसी गति से बनी रहेगी। तो निरंतर संयोग यदि रहे तो संयोग के सुख का पूर्ण अनुभव प्रेमी कर ही नहीं पाएगा। संयोग के सुख का अनुभव वो कर सके इसलिए वियोग का होना आवश्यक है। तो ज्यों पट जिनके नयन निमेश ओट कोटिक युग जाही, तिनको गहवर कुंज ओट दुख गणना नाही। जिन ब्रज गोपियों की स्थिति ऐसी है कि पलक की ओट मानो बीते युग चार, नंदास जी का पद है, एक पलक गिरती है तो ऐसा कृष्ण को देखे बिना ऐसा लगता है जैसे चारों युग चतुर्युगी बीत गई। वो ब्रज गोपियां और श्याम सुंदर एकाएक इतना सुंदर संग मिल रहा है और एकाएक वहां से अंतर्धान हो गए, तो उनके दुख को, उनके कष्ट को, उनकी व्यथा को उनके अलावा कौन समझ सकेगा। ठगी रही ब्रजबाल लाल गिरधर पिय बिन ज्यो, निधन महानिधि पाए बहुर फिर जाए भई त्यों। गोपियां जब ठाकुर जी खो गए, अंतर्धान हो गए, तो ऐसी खड़ी हो गई जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो। कोई निर्धन आदमी हो उसको एकाएक महानिधि मिल जाए और महानिधि मिलके फिर खो जाए, तो महानिधि मिलने की उसकी प्राप्ति में उसको जितना सुख होगा उससे ज्यादा दुख उसके बिछड़ने में होगा। तो श्याम सुंदर के मिलन का जो सुख उस गोपी को हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन उनके अंतर्ध्यान होने का कष्ट उससे भी कहीं ज्यादा था। और उसके बाद वे सब गोपियां वे गई विरह विकल बूझत द्रुम वेली वन, को जड़ को चैतन्य न जानत विरही जन। फिर तो गोपियों की जो दशा हुई है, कौन वस्तु जड़ है, कौन चेतन है, सब भूल भाल गई। और अनेक यहाँ के जो वन हैं, उन वन वनांतरों में उन्होंने कृष्णान्वेषण किया है। हे मालती हे जाति यूथ के सुन दे हित चित, मान हरण मन हरण लाल गिर धरन लहेत। हे मालती हे चमेली हे चंपा हमारा हित करो, तुमने कहीं श्याम सुंदर को देखा है तो हमें बताओ। तो जब अंतर्धान लीला हुई तो गोपियों ने अन्वेषण आरंभ किया और कल वो सब स्थान पढ़ेंगे, मालती वन है, चंदन वन है, जहाँ गोपियों ने श्याम सुंदर को ढूंढा है। हे चंदन दुख कंदन सबकी जरन सिरावहु, और नंद नंदन जग बंदन चंदन हम ही बतावहु। हे चंदन हमारा जो कृष्ण विरह से चित्त ददक रहा है, हमने सुना है तुम शीतलता बहुत प्रदान करते हो, तो कुछ हमारा हृदय भी ठंडा करो। कहाँ कृष्ण गए हैं उनका मार्ग हमें बताओ। हे सखी यह मग वधु इन्हें को पूछो जाही, डह डहे इनके नयन अबहु कछु देखे आही। मृग वधु ये हिरणियों को पूछो, हिरणियों को मार्ग पूछ रही है, हरण खोई भी पड़ेगी। तो जब श्याम सुंदर यहाँ अंतर्धान हुए हैं तो गोपियों ने चारों ओर दर्शन किया है, कहीं हिरणियों से मार्ग पूछ रही है, अन्वेषण किया है, कहीं वृक्षों से, कहीं लताओं से, कहीं पृथ्वी से। अहो अवनी नवनीत चोर चित चोर हमारे, राखे किते दुराय बताए देहु प्राण प्यारे। कहाँ तुमने हे पृथ्वी कहाँ श्याम सुंदर को छिपा लिया, कहाँ तुमने उनको रख लिया है, जल्दी उनका मार्ग बताओ। यह विधि वन घन ढूंढ बूझ उन मद की नाई, करन लगी मन हरण लाल लीला मन भाई। तो इस तरह से यहाँ के वनों में गोपियों ने श्री कृष्ण को ढूंढा, श्याम सुंदर को ढूंढा, और मोहन लाल रसाल की लीला इन्हीं सो है, केवल तन में भई कछु न जाने हम को है। इतनी तन में कृष्ण को ढूंढने में हो गई
मैं कौन हूँ, किसकी वधु हूँ, कहाँ जा रही हूँ, उनको कुछ भी ध्यान नहीं रहा, कुछ भी स्मरण नहीं रहा। ऐसी कृष्णमयी वे गोपियाँ कृष्ण को ढूंढते ढूंढते हो गई। तो नंदा जी ने बहुत सुंदर इस विरह लीला को गाया है, बहुत बड़ी लीला है रास पंचाध्यायी की, और पूरा विरह भागवत जी का के आधार पर नंददास जी महाराज ने गाया है। क्यों गाया, उसका एक ही कारण है, प्रियस्य सन्निकर्षेपि प्रेमोत्कर्ष स्वभावतः या विश्लेष दियार्थस्तत् प्रेम वैचित्यम उच्चते। जो उत्कृष्ट अवस्था का प्रेम होता है, उच्च अवस्था का प्रेम, उस उच्च अवस्था के प्रेम में प्रियतम दोनों प्रेमी, प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों परस्पर में नित्य सुख में भी नित्य वियोग का सुख लेते हैं, नित्य संयोग में भी नित्य वियोग का सुख लेते हैं, जो उत्कृष्ट अवस्था का प्रेम होता है। तो ये एक उत्कृष्ट अवस्था के प्रेम का अनुभव कराने के लिए या प्रेम की गति को तीव्र करने के लिए ठाकुर जी यहाँ अंतर्धान हुए, यहाँ से गायब हुए। और जब श्याम सुंदर अंतर्धान हुए हैं, उसके बाद ब्रज गोपियों की बड़ी विचित्र स्थिति हुई। ऐसा गर्ग संगीता में बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है मथुरा खंड में। जब श्याम सुंदर यहाँ से गए हैं, विरह कई प्रकार का, एक दीर्घ विरह है, एक क्षणिक विरह है, प्रेम वैचित्य में नित्य संयोग का भी विरह है, एक नैमित्तिक विरह है, बहुत प्रकार का विरह होता है। लेकिन सभी विरह की स्थितियों का प्रयोजन एकमात्र प्रियतम को सुख देना, प्रियतम के प्रति प्रेम की तीव्रता करना, केवल यही प्रयोजन रहते हैं। तो जब श्याम सुंदर गौचारण के लिए जाते हैं तो वो अल्पकालिक विरह होता है। जब श्याम सुंदर महाराज लीला के मध्य से अंतर्धान हो जाते हैं, वो नैमित्तिक मिलन होता है प्रेम को और तीव्र करने के लक्ष्य से। और जब श्याम सुंदर मथुरा चले गए हैं तो उस काल में गोपियों को जो विरह हुआ है, गर्ग संगीता में बड़ी सुंदर उस विरह का वर्णन मिलता है। ऐसा लिखा है, बभूव सर्वम सत्तम ही भस्म सात कृष्णागम शात्म तनुम ही सुरक्षति। राधा रानी जब श्याम सुंदर मथुरा गए हैं, श्री जी श्याम सुंदर के जाने के बाद कदली वन में गई, जिसको जिसका वर्तमान में हाथिया गांव उसका नाम है कदली वन। तो राधा रानी कदली वन में विराजी, श्री जी के वहां बैठने मात्र से, ऐसी विरह की अनल में उस समय राधा रानी थी, बैठने मात्र से सारा का सारा कदली वन, वहां के सब वृक्ष झुलस गए, सब के सब भस्मसात हो गए, राख का ढेर हो गए, ऐसी विरह की आग दधक रही थी। तो श्री राधा रानी जब वहां विराजी, तो एक तो देखो, एक तो हुआ वही विरह हुआ, जाने का कष्ट हुआ तो प्राण ही छोड़ दिए। लेकिन असली प्रेमी तो वही है जो प्रेमास्पद के विरह को भी वरदान मान के उसका वहन करे, उसको ढोए, वो असली प्रेमी है। तो श्री राधा रानी ने ऐसी विरह की स्थिति की, कदली वन भस्मसात हो गया, लेकिन उसके बाद भी केवल श्री कृष्ण आएंगे उनके आगमन की प्रतीक्षा में अपने शरीर को धारण किए रखा। कैसी स्थिति रही होगी ये हम लोगों के समझने योग्य बात नहीं है। और ऐसी स्थिति में शरीर को जीवित रखना, प्राण धारण करके रखना, ये कितनी बड़ी बात है। तो जिस समय उद्धव जी महाराज आए हैं यहाँ और श्री राधा रानी की दशा देखी है, तो वहां गर्ग संगीता में लिखा है, ग्रहण पत्रम निज नाथ दत्तम शोकम परम मा कुरु राधिके त्वम। श्याम सुंदर के द्वारा भेजा गया पत्र श्री जी के हाथों में दिया है, और राधा पत्रम संग्रहित्वा शिरो नेत्रे तथा चहरित, श्री जी ने उसे अपने मस्तक से लगाया, अपने नेत्रों से लगाया, अपने वक्ष से लगाया, और निधाय वाचयित्वा तत्स्मृत्वा तत्पाद पंकजम। श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करके श्री जी ने कहा, अति प्रेमातुर